एक कस्टमर को अपने पास रजिस्टर करेंगे अगर आपका काम नया नया शुरू हुआ है तो आपके पास गाहे बगाहे कस्टमर आते रहेंगे और आप उनको इसी तरह से एक एक करके एंटर करते रहेंगे लेकिन बहुत सी दफ़ा ऐसा भी होता है कि आप जहाँ काम करने गए हैं वहाँ कोई पहले पुराना सिस्टम चल रहा था अब हम क्विक बुक्स के ऊपर शिफ्ट हो गए जैसे ही हम ये शिफ्ट करते हैं हमें पुराना डेटा पुरानी इन्फॉर्मेशन नए सिस्टम या क्विक बुक्स में लाना ज़रूरी हो जाता है इस वक्त ये होता है कि हमारे पास पहले से बहुत सारा डेटा अपने कस्टमर्स का मौजूद होता है जो हम क्विक बुक्स में एंटर करना चाहते हैं हमारे पास इसके एक से ज़्यादा तरीक़ेकार हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्विक बुक्स ये काम बहुत आसानी से आपको करने देता है आपके पास दो ऑप्शन हैं हो सकता है कि आपके पास पुराना रिकॉर्ड किताबों में हो या पहले से किसी कंप्यूटराइज्ड सिस्टम में मौजूद हो अगर वो किताबों में है तो फिर तो आपको डेटा एंट्री अपने हाथ से करनी पड़ेगी लेकिन अगर आपके पास ये डेटा पहले से किसी सिस्टम में मौजूद हो तो वो आप उठा के क्विक बुक्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और अगर वो डेटा आप किसी तरह एक्सेल में ले आएँ एक्सेल की फ़ाइल बना लें या कॉमा डीलिमिटेड सी फाइल बना लें तो आपको ये सहूलत हासिल है कि आप एक्सेल से बसानी ये सारा डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं क्विक बुक्स में आइए देखते हैं कि ये क्विक बुक्स में कैसे होता है क्विक बुकस में जब भी आप आएँ तो सबसे पहली चीज़ आपको अपनी होम पेज नज़र आएगा और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप होम पेज से कस्टमर में जाने के लिए आपके पास तीन तरीकेकार हैं या आप होम पेज पर पे, कस्टमर पर दबा दें या आप ऊपर अपने मेन्यू पर कस्टमर पर दबा दें या सीधा जाके कस्टमर से कस्टमर सेंटर में चले जाएं। जैसे ही आप कस्टमर सेंटर में जाएंगे, तो आप देख सकते हैं कि हमने लास्ट टाइम जो अपना कस्टमर बनाया था वो यहाँ मौजूद हैं और अगर आपको याद हो कि हम किस तरीके से यहाँ नया कस्टमर ऐड करते हैं हम न्यू कस्टमर में जाते हैं और एक एक करके तमाम टैबों में वो तमाम इन्फॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड है वो भरते चले जाते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारे पास कोई पांच टैब हैं जो हमें फिल करना है और अगर हमें बहुत सारे कस्टमर एक वक्त में एंटर करना है तो आप ख़ुद सोच सकते हैं कि काफ़ी लंबा और दिक्कत तलब काम है इसका तरीक़ार ये है कि हम एक वक्त में एक से ज़्यादा कस्टमर इसके अंदर एंटर कर सकें उसका तरीक़कार भी आसान है आप न्यू कस्टमर एंड जॉब में जाएँ और आप नीचे की तरफ़ देखेंगे सबसे लास्ट मेन्यू आइटम ड्रॉप डाउन का है एड मल्टीपल कस्टमर्स अब आपके सामने जो स्क्रीन आई उससे आपको खुद ही अंदाजा हो गया होगा कि ये किस किस्म की स्क्रीन है आपको कॉलम्स और रोज नज़र आ रही हैं और ये तकरीबन वही स्क्रीन है जो कि आप कभी भी एक्सेल में देखते होंगे इसमें आप बहसानी जितने भी अपने कस्टमर डालना चाहें डाल सकते हैं और हम बार बार मुख्तलिफ़ मेन्यूज़ में हमें जाने की ज़रूरत नहीं होगी जो जो अहम फील्ड्स आप समझते हैं कि यहाँ होनी चाहिए हम यहाँ उसे ऐड कर सकते हैं और जो जो आप गैर ज़रूरी समझते हैं कि फील्ड्स हैं वो हम यहाँ से हटा सकते हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ कस्टमाइज़ कॉलम का भी एक बटन मौजूद है जिसे आपको दबाते के साथ ही वो तमाम कॉलम जो यहाँ एडेड हैं वो नज़र आ जाएँगे और जो आप ऐड कर सकते हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे इसमें से मैं एक आधा कॉलम आपको रिमूव करके दिखाता हूँ इसी तरह अगर हम कोई कॉलम ऐड करना चाहें तो हम कस्टमाइज कॉलम में जाके वो कॉलम ऐड कर सकते हैं अब जब हमारे सामने ये स्क्रीन खोल गई तो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ कोई और कस्टमर ऐड कर रहे हैं और हम इसकी जितनी इन्फॉर्मेशन चाहें यहाँ मुख्तलिफ कॉलम्स में ऐड कर सकते हैं ये सबसे आसान तरीका है आपके लिए कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन मल्टीपल कस्टमर्स की एक वक्त में इस डेटा एंट्री के थ्रू एड कर लें और जैसे ही हम कहेंगे इसे सेफ चेंजेस वो हमारा कस्टमर रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा अच्छा ये उस वक्त पॉसिबल है या उस वक्त ज़रूरी है जब हमारे पास रिकॉर्ड एक ऐसे मीडियम में हो जहाँ से हम ऑटोमेटिकली कंप्यूटर पे उसको नहीं लेके आ सकते जब तक हमें ये रिकॉर्ड कंप्यूटर पे ऑटोमेटिकली नहीं लेके आ सकते तो हमें इस डेटा को ख़ुद से एंटर करना है और ख़ुद से एंटर डेटा करने के लिए आपको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो है एडिंग मल्टीपल कस्टमर्स टू क्विक बुक्स ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी और इसमें से आप बसानी डाल सकते हैं अगर आपके पास ये सहूलत मौजूद है कि आपके पास आपका डेटा पहले से एक्सेल में या किसी और सिस्टम में मौजूद है तो हम ये डेटा वहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हैं और कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं ज़रा देखें कि हमारे पास एक एक्सेल की फ़ाइल मौजूद है जिसमें पहले से कोई पांच कस्टमर्स मौजूद हैं कंपनी ओनर एड्रेस फ़ोन नंबर और कॉन्ट्रैक्टर टाइप आइए देखते हैं हम ये कॉलम्स अपने क्विक बुक्स में कैसे डालेंगे सबसे पहला कॉलम जो हम ऐड करना चाह रहे हैं दैट इज़ कंपनी नेम हम सिंपली यहाँ से कंपनी नेम सिलेक्ट करें कॉपी करें और कंपनी नेम कॉलम में जाके पेस्ट कर दें हमारी तमाम कंपनियाँ ऑटोमेटिकली एक्सेल से उठ के आपके डेटाबेस में आ गई इसी तरह आप इसमें और कॉलम्स भी वहाँ से सिंपली कॉपी पेस्ट करके क्विक बुक्स में ला सकते हैं और ये इससे ज़्यादा सिंपल तरीक़ा आपको मैसर नहीं आएगा अच्छा जहाँ तक एड्रेसेस का ताल्लुक़ है थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ एड्रेसेस हमारे हमेशा बिल टू वन और बिल टू टू बिल टू थ्री और बिल टू फोर के अंडर आ रहे होते हैं इसमें हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम वहाँ से एड्रेस उठाएँ और यहाँ सिंपली उसे कॉपी कर दें इसी तरह से हम वहाँ से टेलीफोन नंबर्स भी उठा सकते हैं और क्विक बुक्स में ऑल वी नीड डू पेस्ट इट नाउ दिस इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसीजर वेर इन यू कैन सिंपली कापी एंड पेस्ट वट एवर इन्फॉर्मेशन दैट यू नीड फ्राम वन पॉइंट इन एक्सल टू योर डेटा बेस इन क्विक बुक्स इसे आप सेफ चेंजेस करें तो ये सारे रिकॉर्ड्स आपके यहाँ मौजूद हो जाएंगे एक चीज़ और जो मैं आपको इसमें बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये तमाम एड्रेस हम ये समझते हैं कि फिलहाल लाहौर के हैं और हम ये चाह रहे हैं कि ये तमाम जितने भी हमारे पास नीचे दिए गए एड्रेसेस हैं उन तमाम में लाहौर आ जाए तरीका ये है कि आप लाहौर कॉपी करें और हर जगह पेस्ट करें एक और इसका तरीकेकार और वो ये है कि आप लाहौर वाले कॉलम पे जाएं और उसको राइट क्लिक करें आपको एक आइटम नज़र आ रहा होगा जिसका नाम होगा कॉपी डाउन कॉपी डाउन तमाम आपकी फील्ड्स जो इस कॉलम के अंदर हैं तमाम में ये वैल्यू कॉपी कर देगा सिंपल. ऑल यू हैव टू डू इज क्लिक ऑन द कॉलम और द फील्ड अबव द कॉलम विच यू नीड टू कॉपी डाउन राइट क्लिक एंड से कॉपी डाउन उसके नीचे जहाँ जहाँ ये कॉपी कर सकता है वो हर जगह इसे कॉपी कर देगा जो चीज़ हमने कॉपी करनी है हम बसानी उसे कॉपी डाउन के थ्रू कॉपी कर देंगे याद रहे जहाँ रिकॉर्ड नहीं है कॉपी उससे आगे नहीं जाएगा ये खुद ब खुद ही ये चीज़ समझता है कि रिकॉर्ड कहाँ कहाँ मौजूद हैं और किस किस जगह इसे फिल करना है तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमने कंपनी नेम ओनर एड्रेस और फ़ोन नंबर अपने तमाम के तमाम कॉपी करके बासानी क्विक बुक्स में पेस्ट कर दिए हैं एक चीज़ ज़रा गौर करें कि हमारे पास जो इंफॉमेसन मौजूद है उसमें एक इन्फॉर्मेशन है कंपनी टाइप आइए देखते हैं कि हमारे पास क्या इसका कॉलम मौजूद है हमारे पास इसका कॉलम मौजूद नहीं है अगर हमें ये कॉलम ऐड करना हो तो हम क्या करेंगे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो भी हम कॉलम चाहें हम यहाँ ऐड कर सकते हैं जब आप ये सारी चीज़ें अपनी कॉपी कर लें ऑल यू हैव टू डू चेंजेस आपके तमाम रिकॉर्ड सेव हो गए और इसे क्लोज करें और बाहर आ जाएं। अब आपने देखा कि हमने एक वक्त में छह रिकॉर्ड नए इस डेटाबेस में ऐड किए हैं और मैंने आपको ये भी सिखाया कि किस तरीके से हम लोग ये रिकॉर्ड मैन्युअली एंटर भी कर सकते हैं और इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं फ्रॉम एक्सेल टू योर क्विक बुक्स क्विक बुक्स की शक्ल बिल्कुल उस वर्कशीट की तरह है जो कि एक्सेल है सो ऑल यू नीड टू डू इज सेलेक्ट योर कॉलम कॉपी एंड सिंपली कम ओवर टू योर कुक बुक्स एंड इट, ठीक है जी ये सबसे आसान तरीका है जिससे हम भारी मल्टीपल डेटा मल्टीपल रिकॉर्ड्स ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन डेटा बेस टू अनदर दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू